केस 1 ऑफ 2024 इन द मैटर ऑफ लेटर डेटेड 25 मार्च 2024 ऑफ द सिक्स जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट. जनरल हाउ शुड वी प्रोसीड इन दिस मैटर. माय लॉर्ड, मेरे ख्याल में लेट्स स्टार्ट विद द प्रेस रिलीज. डू यू हैव अ कॉपी ऑफ द प्रेस रिलीज? जी आई डू सर. I have a submission to make with your permission. Can we do it later? Submission to make. I file. Can we do it later? But I just want to point out, I filed a petition on behalf of Lahore High Court Bar Association yesterday. My request is that may kindly be put up with it. This is one of the leading bar associations have filed a petition in this regard. So I'm seeking your lordship's permission that may kindly be taken up with this. So Ahmed Khan sahab, aap se zyada kanoon kisko pata hai? Aap mashallah senior wakil hain. Ab wo zamane gaye hai ki chief justice ki marzi hoti hai. Ab committee tashkeel de di gayi hai. Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 ke tahat. Wo kanoon बीच में स्टेज चल पे चल रहा था, अब उसको सराहा गया है, सही है कानून, उस पर हम अमल करेंगे. अब उसमें बाकायदगी से लिखा हुआ तरीक़ेकार, अब मैं अपने इख्तियार इस्तेमाल करने बैठूं, हम चीज़ें मिक्सअप करते रहते हैं. ये है अदालत, वो है कमेटी. ना कमेटी को अदालत के इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, ना अदालत को कमेटी के इख्तियार. आप इससे तो आपको इससे इत्तफाक़ी होगा ना. तो अगर आपने अभी फाइल की है तो नहीं, कल फाइल की थी. कल फाइल की है तो कमिटी के पास अभी तक तो मेरे पास नहीं आई है. हम सभी मेंबरान के पास साथ जाती है. अब ज्यादा से ज्यादा उसको हम जल्दी देख लेंगे. जी मैंने तवज्जो जनाब की उस तरफ तवज्जो तवज्जो फिर आप ना दिलाए हमारी मेरी, क्योंकि कमिटी की तवज्जो दिलवाइए ना. इधर दो मेंबरान तो हैं कमेटी के, एक मेंबर नहीं है कमेटी के. तो ये फिर हम कोई बात कर बैठे हैं तो दूसरे मेंबर कहेंगे कि मेरी कोई और राय है, शायद बेहतर राय है उनसे, हमसे, हम उनसे शायद मान लें. तो देखें ये अभी वो पुराना तर्ज अमल जो है था ना. जी हम दुनिया भर पे उंगलियां उठाते हैं, हमें अपने पहले उठाना चाहिए. मैं तो इससे इस बात पे चलता हूँ कि अपने पे पहले उंगली रखो, अपनी इसलाह पहले करो, फिर दूसरे को कुछ कहो. तो पहले जो तर्ज बहुत अच्छा असूल है, पहले जो तर्ज अमल थे कि चेंबर में आ गए केस लग गया, ऐसे हो गया, खड़े हो गए केस लग गया, अब वो सब चीजें हमने खत्म करनी है. 184 में तो बल्कि तरीके कर वाजे है उस कानून में. अब आप उसी पे चलेंगे, अनलेस आप कहते हैं कि उस कानून, वो कानून गलत थे, फिर दूसरी बात है, फिर आप पिटीशन. जी नहीं सर, लेकिन जनाब की तवज्जो दिला रहे हैं इसीलिए कि कमेटी के सामने जल्दी पेश हो सके. आपने पूरी तवज्जो पूरी कौम को दिलवा दी, पूरा पाकिस्तान आपको शायद देख रहा है अभी. पता नहीं वो हो गई. और देखें मैं एक और भी बात बड़ी गैर मुनासिब समझता हूँ. अब पिटीशन फाइल होने से पहले छप जाती है अखबारों में. अब ये मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मगर इस पर भी सोचना चाहिए. तो क्या जब हम प्रेशर की बात करते हैं कि ये भी हम पे भी प्रेशर डाला जा रहा है एक तरीके से. देखिए ये भी नहीं, देखिए सिर्फ कहना कि प्रेशर एक तरीके का है दूसरे तरीके का नहीं है. मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता हूँ. हो सकता है आप ठीक होना भी नहीं चाहिए. और मैं आप फैसलों से देख के बताइए, हाँ जी ये प्रेशर में फैसला किया है, तो वो फिर आपकी बिल्कुल आपकी राय, आप अपनी राय, हर आदमी की अपनी राय होती है. तो ये भी खास तौर से वकील, और एक नई चीज भी शुरू हो गई है कि वकील कह रहे हैं कि सुओ मोटो लो, भाई फिर उनको वकालत छोड़ देना चाहिए. जो वकील ये बात कहे उसको वकालत नहीं करना चाहिए. लेकिन बार एसोसिएशन का तो राइट है ना कि वो कहे. आप तो आए हैं ना, आप सुमोटो का तो नहीं कह रहे हैं. आप तो माशाल्लाह पिटीशन दी, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने पे ना लीजिए. मगर मैं अक्सर देखता हूँ कि जी वकील कर रहे हैं. अच्छा वकीलों के भी नुमाइंदे मौजूद हैं, आज हैं हमारे सामने कोई मौजूद सदर हैं सुप्रीम कोर्ट, आप भी आ जाए सामने. देखिए ये अदालतों को हमें फिश मार्केट नहीं बनाना चाहिए. अब आपके नुमाइंदे ये खड़े हैं फिलहाल, अगली दफा आप एक बार एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, सारी बार एसोसिएशन के नहीं. जरा से ठहर जाइए ना जी. पाकिस्तान में दर्जनों बार एसोसिएशन हैं, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट. ये सुप्रीम कोर्ट है, हमारी
ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से होता है, ठीक है। दूसरे हमारे जो बॉडी है पाकिस्तान की बॉडी है वो पाकिस्तान बार काउंसिल है, ये भी मुंतखब लोग हैं, हम नहीं मुंतखब करते हैं, आप करते हैं, इसीलिए हम इनकी कदर करेंगे। हो सकता है आपसे हम एग्री करें, मगर क्योंकि जब एक जमहूरियत का यही तकाजा है कि आप उसको भी मान लो जो आपका मुखालिफ है, क्योंकि वो जीत गया है। अब आपकी राह हो सकता है इनसे बेहतर हो सकता है मैं आपसे इत्तफाक करूंगा, मगर मैं आपको नुमाइंदे के तौर पे नहीं मिलूंगा, इनको नुमाइंदे के तौर पे मिलूंगा। अगर मैं किसी वकील को इनफरादी तौर पे मिल रहा हूं फिर मुझे बताना चाहिए, मैं इनफरादी तौर पे वकीलों को मिलता ही नहीं हूं, नुमाइंदे के तौर पे इस सिलसिले में भी इनसे मुलाकात हुई है और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे से भी जो यहाँ मौजूद थे उनसे मुलाकात हुई। तो जरा बात को आगे चलने दे, आपने बात निशानदेही कर दी, आ जाएगी पिटीशन, लग जाएगी, आज खत्म तो नहीं हो रहा है केस, अभी तो हमने आगाज शुरू की है जी। इंशाल्लाह आपकी मदद से देखें, सबकी मदद से आगे चलते हैं। माय लॉर्ड, मिस्टर, आई रिप्रेजेंट मिस्टर एतजाज अहसन। प्लीज डिड यू नॉट हियर और वी हैव टू रिपीट ऑल दैट हैज बीन सेड अगेन। माय रिक्वेस्ट इज इट शुड बी कंसीडर्ड टुगेदर विद द लाहौर हाई कोर्ट बार पिटीशन। वी विल नॉट कंसीडर दिस रिक्वेस्ट बिकॉज़ यू वांट अस टू इनक्रोच ऑन द पावर्स ऑफ द कमिटी। माय लॉर्ड, आई विल नॉट डू सो। वी आर मेकिंग, इफ यू वांट मी टू वायलेट द लॉ ऑफ पाकिस्तान, आई विल नॉट डू सो। लॉर्ड, वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट दैट इफ द committee deems repeating fit. It through repeating it, well that's third time you may be lucky, uske sath hi consider ho jayega, ke abhi abhi ne keh diya hai, theek hai, committee ke paas jaane ke liye that's all with the thank you.